सलाम है इस भाई को, सलाम है इस बेटे को, सलाम है इस बाप को जो बेचारा कहाँ लटक के अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिस्क कमाने के लिए किधर लटका हुआ है। कितनी मेहनत से मर्द कमाते हैं, ये एक मेरे सामने एक सबूत है। मैं आई थी ऊपर गंदम अपनी छत पे डालने के लिए, क्योंकि थोड़ी गीली गीली थी, तो ये भाई बेचारे ऊपर लटक के तो कलर कर रहे थे। तो जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा इनकी वीडियो बना लूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मर्दों को सलूट है जो बाहर जाके अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं और इतना मुश्किल 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 काम करते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। माशाल्लाह से जी, कितना ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है, दिन को इतनी सख्त धूप थी और अभी देखें कितने प्यारे प्यारे बादल। ये देखें जी, ये मेरे अल्लाह की शान है। अभी हो सकता है बारिश भी हो जाए, थोड़ी बहुत हुई भी है। तो जनाब आज बन रहा है हमारा बड़े गोश्त का सालन, इसमें है नल्ली नल्ली और गोश्त। तो जनाब सालन रेडी हो गया, तो बस उसकी फाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो फिर जनाब मैं आ गई थी छत के ऊपर, मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे छत के ऊपर, क्योंकि हमने गंदम दिन को डाली थी तो उसको थोड़ा साफ़ भी करना था। तो मेरी आज बिल्कुल ऐसे तबीयत ख़राब भी थी, लो हुआ हुआ था, वीकनेस सी लग रही थी। तो फिर मेरे बेचारे मियाँ ने इतनी गर्मी में आके मेरी हेल्प की और ये इसको सिर्फ छानना था, बाकी तो ये ठीक थी जो गाँव से गंदम लाए थे, बस ये छानते गए और इसके अंदर डालते गए ताकि शाम को चक्की पे दे आए वो, और वो इसको पीस के इसका आटा निकाल के देंगे हमें। तो ये मुसीबत मतलब इतनी ज़्यादा लगती है ना, गंदम वैसे तो मैं खुद कर लेती हूँ, जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर बंदे से होते नहीं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है, शुक्र है ये मेरी हेल्प कर देते हैं जब भी मेरी तबीयत ख़राब हो। वैसे भी मेरे हर काम में मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये थोड़ी सी मैंने कहा ये भी क्लिप डाल दूँ आज, बस यही कुछ छोटे मोटे काम ही हुए हैं, बाकी जो था ना अच्छे तरीके वाला व्लॉग बनेंगे। और ये देखे यहाँ पे कितनी मज़े से चिड़ियाँ बैठी हुई हैं और पूरी तार भरी होती है, फिर भाग जाती हैं, फिर बैठी होती हैं। और हमने इधर छत के ऊपर रखा हुआ है इनके लिए बाजरा, वो खाती भी रहती हैं और बच्चे भी इधर इन्होंने दिए। तो जनाब आज दूध कम होने की वजह से हमारी चाय इतनी काली बनी है और इतनी कम कम, ये देखिए हम हाफ हाफ कप पाए हैं और यहाँ पे तो अच्छी खासी वाइट नज़र आ रही है, लेकिन अच्छी भली काली स्याह चाय बनी है। दूध ख़त्म हो गया और अभी बिल्कुल इतनी धूप है बाहर, तो थोड़ी शाम होती है तब हम दूध लेके आते हैं, तो चलें आज इसी पे गुजारा करते हैं। तो जनाब अभी आए हमारे फ्रेश फ्रेश टमाटर और आलू, और हमारा फाइनली दूध आ चुका है, क्योंकि पहले भी हमारी बहुत काली स्याह चाय बनी है। टमाटरों को लेंगे धो, बड़े मज़े के रेड रेड आए हैं टमाटर। तो जनाब आलू और सब्ज़ी वगैरह जो आई थी मैंने वो धो दी है, अब आलूओं के बना रहे हैं चिप्स। ये देखें यहाँ पे चिप्स कटिंग, इस तरह कटिंग कर रहे हैं और चिप्स बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कर देना। और आज बिल्कुल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो कोई इतनी ख़ास व्लॉग बन नहीं सका, बस जो छोटी मोटी रूटीन आज थी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और फुल वॉच नहीं अगर कर सकते तो कम अज़ कम 3 मिनट ज़रूर देख लिया करें।